बज गया सुबह के 3:20। टाइम देखो तो मैं उठ गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया, तभी हो गया पति देव को छोड़ने की तैयारी। तो जस्ट उठाया मैंने इनको अभी और मैं भी उठ गई हूँ। चलो चाय। चलो टायर तो है, ये मेरे ब्याह की निशानी ही। नहीं पल्लव यार था, द मॉर्निंग का रूम है बैग पर्पल कलर का है तो फिर इसमें वो ऐसे हम वही डॉलर भूल गई थी मैं, आज कांड कर दिया था मैंने, वो सब रख दिया मैंने, अब याद आई मेरा। आज फ्लाइट किसी को सुबह से रहेगी तो देख लो। आगे लगा सुबह सुबह चाल ले रहे तेरे पी अक्ति के चीज भी जब चाल ले रहे तो बोला ही नजारा तो क्या करेगी है। चलो भैया जय माता दी। सुबह सुबह है यार, वो चला ले भाई ठंड लगी आई रे। हाँ यार वे निकाले ही नहीं है ना। तेल यूं लगा कि बैग पूरा खराब हो जाएगा अगर लीक होगी तो बोतल लग जाएगी। तो देखते ही देखते टाइम निकल गया और इतनी जल्दी एयरपोर्ट आ गया पता ही नहीं लगा। आप लोगों को ना मेरी मतलब फेस देख के पता लग रहा होगा सुबह उदास फेस, तो इतनी जल्दी एयरपोर्ट आया ना मैं क्या ही बताऊँ। अकेली बना उठागा तेरे पास, हमने इसमें रखा गाजर का हलवा, फूट फाट तो नहीं जाएगा डब्बा। अगर बोतल का इशू करे तो पानी फेंक। तेरी निकल रहा है धक्का दो धक्का दो। बाय भैया टेंशन मत लेना ठीक है। काम हो चुके थे और पतिदेव जाने की तैयारी कर रहे थे अंदर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते और मेरे से रहा नहीं गया। तो ये यहाँ पे ना ऐसा टाइम होता है मतलब सब कुछ भर के आता है, पैर आप आगे रखोगे बट पीछे से रखते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है और बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं वहीं जाके खड़ी होगी जब तक कि अंदर नहीं चले जाते हैं ना, तो कम से कम यहाँ बात करने का मौका मिल रहा था। और ये चीज़ें ना आपको तब समझ आती है जब आप एक दूसरे से दूर होते हो। मतलब हम लोगों का तो क्या है कि 5-6 महीने में ये चीज़ फेस कर
करनी पड़ती हैं, और दूसरा कुछ है भी नहीं हम लोगों के पास में, तो क्या ही करोगे। तो एक दूसरे की वैल्यू अच्छे से पता लगती है कि कैस कब कैसे क्या होता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं, एक ही घर में दिखते रहते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, बट जब दूर जाते हो आपको तो हर चीज़ का पता लगता है आपको, हर एक चीज़ का। मैं चला लूं? हैं? मैं चला लूं। क्यों? लम चला लूंगा आज। क्या हो गया? स्लो में होगा बुत। हाँ। पीछे ले ले, थोड़ी सी पीछे ले ले। वो देख सारे बेचारे दुखा के मारे ही। सो गाइस छोड़ दिया जी पतिदेव को, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। रुका के थोड़ी देर। हाँ आगे रुकती हूँ। अभी तो खैर फ्लाइट में तो रहेगी ठंडी, चाहे कितना भी हो सुबह सुबह तो लगती होगी भाई। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी अंदर जैकेट की तो होगी क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है। तन के लगा बड़ा कुठे होंगे कि नहीं है। हाँ हमारी सोसाइटी देख लो सुबह सुबह एकदम सुनसान है। अपना नहीं होता कोई भी पास में सोसाइटी में, एक भी बंदा नहीं है। गार्ड है ही नहीं, आपा गए थे जब भी नहीं था गार्ड। आज ये देख खाली पड़ी चेयर, या तो अंदर इस रूम में सो रहा होगा। है तो क्यों मतलब जैसे यूँ ही नहीं पता है, जैसे यूँ ही नहीं पता कौन बंदा गया कौन, फिर साउंड का फायदा क्या है यहाँ पे। देख तो आज है ही नहीं गाड़ियाँ। सो आई गेस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो जी 11:30 हो चुका है टाइम, और मैं जस्ट नहा के आ गई, तो आज थोड़ा सा आप लोगों को लो लगेगा मतलब मेरी आवाज़ में भी वैसे भी, क्योंकि पतिदेव जा चुके हैं और मतलब पहुंच जाएंगे शाम तक, तो आप लोग वीडियो देखोगे तब तक वो शिप पे भी पहुंच चुके होंगे। तो थोड़ा सा लगता है यार मतलब सुबह सुबह छोड़ने जाओ, मतलब ये टाइम जो होता है ना सुबह छोड़ने वाला, बड़ा ही मतलब अजीब लगता है, धक धक रहती है कि यार इतने दिन तक क्या करूंगी पीछे से। बट ठीक है, धीरे 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 15-20 दिन में आदत हो जाती है। मैं तो बोलूंगी कि अच्छा हुआ यार मेरा चैनल है, मेरे पास कुछ तो है मतलब पूरा दिन टाइम पास करने के लिए। और देखो स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा ही, शुरू से लेके अब तक मैंने यही सीखा है कि स्ट्रांग बनो, क्योंकि देखो बिना बात ऐसे कुछ करने से होगा तो है नहीं, है ना। तो ये था, और बड़ी खुशी खुशी भैया छोड़ के आ गए एयरपोर्ट पे, और सुबह निकले थे हम लोग। 5:30 बजे की फ्लाइट थी, तो हम लोग 3 बजे उठ गई थी मैं सही, तो मैंने चाय वाय बनाई उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत कुछ रह रहा था सामान जो मतलब जाते टाइम रखना था वो रखा, फिर हम लोग निकल गए। आते टाइम मैंने वीडियो यूँ नहीं ली, थोड़ा सा मतलब बुरा फील होता है यार कोई भी हो चाहे आप इतनी दूर जाते हो एयरपोर्ट पर छोड़ के आते हो तो बहुत बुरा लगता है। तो बस स्ट्रांग हूँ अंदर से और स्ट्रांग ही रहूँगी, क्योंकि जो भी जिनके भी हस्बैंड बोल सकती हूँ कि आर्मी में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो आउट ऑफ कंट्री हो, तो मेरे पतिदेव भी आउट ऑफ कंट्री ही गए हैं, बस माता रानी अच्छे से पहुँचा दे और अच्छे से हो और घर वापस आ जाए, यही है ना। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी का भी रो रो के बहुत बुरा हाल है कल से, बट मैं नहीं दिखाती इनके आगे कभी भी, मैंने आज तक नहीं दिखाया। तो घर पे आके भले ही खाली खाली सा लगता है और हो जाती है आदत धीरे धीरे यार, 15-20 दिन में ना टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी मैं प्रॉपर दूंगी मेरी वीडियो पे ध्यान, तो आपको पतिदेव दिखेंगे 4-5 महीने के बाद मेरी वीडियो में। तो ये था, और बस मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आज होता है ना कि थोड़ा सा पर काम भी अपना करना पड़ेगा, वीडियो भी शुरू करनी पड़ेगी, वीडियो है तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, नहीं तो मैं भी फिर पूरा दिन क्या ही करती। तो मम्मी पापा भी नहीं है, है ना, तो वो होता थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, मम्मी होती तो फर्क पड़ जाता है, मम्मी के कॉल भी आली सुबह सुबह 3-4 बार के टेंशन ना लेना। तो टेंशन तो देखो किस चीज़ की लेनी है यार, काम है काम करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। तो पतिदेव तो फिर भी 4-5 महीने रुक के जाते हैं, बाकी जो आर्मी में मेरे भाई वगैरह हैं यार उनकी तो जो डेट है उस पर जाना ही पड़ेगा उन लोगों, चाहे 10 दिन की छुट्टी हो 15 दिन की हो। तो ये था, और सर दर्द हो गया था क्योंकि कल रात को मैं सो ही नहीं पाई बिल्कुल भी, रात को भी वहाँ से लेट आए हम लोग, है ना। तो बस आज बनाऊंगी मैं दाल और बच्चों को देखती हूँ अंजू लेके आएगी, स्कूल गए हैं दोनों के दोनों, तो मैंने भेज दिए। यश भी बहुत इमोशनल है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो सुबह सुबह तो बोलेगी नहीं, उठ गई थी सुबह भी जाते टाइम, तो वो वीडियो मैं शायद नहीं ले पाई क्योंकि मैं चाय वाय कुछ तो डाल रही थी किचन में थी। तो अभी 1-2 दिन बाद उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा और वो बहुत इमोशनल है, रोने लग जाती है तुरंत ही। नोनू का देखूंगी अब की बार क्या एक्सप्रेशन रहेगी उसकी, है ना, कैसे क्या
बिहेव होता उसका, तो मैं नहा ली हूँ जी, मैं जाऊँगी किचन में, अंजू से पूछती बच्चों के लिए गई, ठीक नहीं तो फटाफट दाल चौके निकलूंगी नोनू को लेने के लिए। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बने रहिएगा व्लॉग में। लिया ने आज आज कल तो जाएंगे, एक हफ्ता फ्री है फिर तू करो। मम्मी इधर फोन, मम्मी इधर कर फोन, नहीं ला रही मम्मी इधर करो, आज ले आया यार तू मेरा फोन ले जाना, कुछ ही काम का नहीं है ये, मुझे काम का नहीं है। एक टमाटर बस कितनी दाल वही तो नहीं, आज मैंने कम लगाया, मतलब कॉर्न कॉर्न ग्लास लगाया मैंने, पालक भी था बचा नहीं भाई अभी कब कम खा मैंने। और मैं भी कल तो मेरा भी नए बरोबर ही लगा ले, दाल बड़े की दाल ही लूंगी, तो खराबत खाना ही पड़ेगा, मेरा दूध चल रहा है। तू तो कर ही ले, मेरी चल जाएगी इतने में, मेरी वो ब्लैक कॉफी कल तक। राइस तो थोड़े से रुक कर लगावा है ना। तो बच्चा पार्टी, पापा गए, कैसा लग रहा है, मिस करोगे पापा को? जल्दी आ जाएंगे पापा की बार, ओनली 3 मंथ्स। पापा आ रहे हैं? हाँ जल्दी आ जाएंगे आपकी बार, ऐसे बोल दे मिस यू पापा, मिस यू पापा, मिस यू पापा, बाय बाय, लव यू बोल दे पापा को। हम हरियाणा के हम दिखाई नहीं सकते ऐसा, यश भी दिखा सका है, दोनों में टोन सेम हरियाणवी है पता है। सो गाइस हो गया है लंच और बच्चों को भी खिला दिया, तो पतिदेव से बात भी हो गई है, और फ्लाइट डिले थी 3 घंटे, तो फाइनली अभी मिल गई है फ्लाइट है ना। तो अभी टाइम हो गया है 2:00, 2:45, तो बस बच्चों को खाना खाना खिला दिया, मैं थोड़ी देर सोऊंगी अभी क्योंकि मेरी आज नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है 2 दिन से, जब से मुझे पता चला ना पतिदेव के जाने के तो अंदर से अजीब सा हो रहा था और नींद मुझे ना आ ही नहीं रही थी एक्चुअली में, तो इसीलिए तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं पहले सो लूँ फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक मैं शायद फ्रेश भी हो जाऊँ, 1-1.5 घंटा सो लूँगी ना तो मेरे को भी अच्छा फील होएगा और फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी पूरी फील फुल एनर्जी के साथ, फील बोल रही हूँ। तो ये था, और ये यशवी यहाँ पे, तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद है ना। हर बार भेज भेजते हैं यार, कुछ भी कहो अब तक कोई भी कंपनी ऐसे ढंग से पैकिंग करके नहीं भेजती जितना ये बेचारे करते हैं, ये बैग कम आ जाएगा मेरे है ना। वाओ व्हाट अ पैकिंग, ब्यूटीफुल। ग्रेटिट्यूड गिव हिम, बट थैंक यू गाइस माय कंपनी, वही कोस्टर से। वाह यार हर बार यूनिक चीजें, वाओ चॉकलेट्स, ये क्या मैग्नेटिक समथिंग प्लांटर, ओह ऐसा है वो, ऐसे इसमें प्लांट रखने का है, वाओ थोड़ा उधर करने के कैसे देंगे, कटोरी से क्या नारियल की कटोरी बना के दे दी। नाइस क्यूट गुड कप, कप वाओ विद द कैंडल, कह गया ये कैंडल होल्डर लग रहा है मुझे, स्पून्स भी है भाई कटोरियों के लिए, वाओ प्लेट्स होंगी मुझे लग रहा है, आपके ने खाने पे बर्बाद सही किया, पिछले अलग अलग खाना दे देते थे, खाने कुछ नहीं होना, चॉकलेट्स है ना तो खा। ओ फ्रेम तुम किसे पैसे बोलना यार, इतना प्यारी चीज़ भेजती है, मुझे बड़ी खुशी होती है मेरी कंपनी कुछ भेजती है तो मुझे। ओह यहाँ लिखा है 4 सेट ऑफ कोकोनट बॉल्स 1 रिस्क हग 4 कॉक कोस्टर्स चॉकलेट बॉक्स बैम्बू कैंडल जो ये है, फ्रिज मैग्नेट वेस वो होगा, अच्छा वो हाँ, एंड देन यार अभी टूटा है क्या, अरे यार
कितना प्यारा भेजा था उन्होंने। कितने का भी पहनेगा तू? हाँ इनके कलर सही आए सारे। अंडरवियर भेजेंगे साथ? सेट हो गया पूरा। तो गाइस मैं उठ गई सो के और आज मैं सोई हूँ 3.5 घंटे, तो नींद भी थी मुझे और अभी टाइम हो गया है 5:45 पर धूप अभी भी है पूरी देखो, और बच्चा भी दोनों सो गया आज पता नहीं कब में से मेरे पास आके, तो मैं चाय लेके आई हूँ अभी मेरी ताकि आँख खुल जाए, और अभी मेरे को लग रहा है फ्रेश फ्रेश एकदम, मतलब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बाउल चार है इसमें? चार चम्मच चार बाउल। अच्छा यूनिक है। हाँ नारियल की है कि वैसे ये बस हाथ में लेकर खाओ नहीं तो लुढ़क जाएगी ना। ये है इसमें क्या लगेगा फ्लावर कुछ छोटे मोटे फ्रिज पर चिपक जाएगा तो मार ले वो लाता ऐसे घेर देगी। ये आई है कैंडल देखो कितनी प्यारी कैंडल अच्छी लग रही है बैम्बू। ये है इन पे ढकने के लिए चार। इसमें आई है चॉकलेट यो 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 भी कितना अच्छा दिया है यो मन दे दिए। एक ये आया इसका कांच टूट गया मतलब पीतल का हो यो फोटो इसमें ना वो तो लिया कुछ लिख भी आएगा इसमें। अच्छा और टोकरी तो देखो ये दोनों साइड से पकड़ने की बहुत मेहनत होगी लगी होगी रे बनाने में। ये भी वैसे तेरा हर बार वैसा डब्बा आया करता अब बार सही दिया इन्हें। और नोनू का भी दिखाऊं मैं आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई। देखो नोनू की ड्राइंग तो ये है नोनू के छोटू छोटू से हैंड और ये देखो नोनू की ड्राइंग यहाँ पे भी करी है उसने कुछ और 2-3 पेज तो उसने फेंक दिए पता नहीं क्यों तो उसे बतानी पड़ेगी ना भैया तो लेकर आओ इसमें काचा भाई ध्यान से लेकर जी रहे बहुत तेज चिल्ला लग गया यार ये अब नोनू जैसे तो फालतू क्या हो गया अभी का आंस सुन ना जो गर्म कपड़े हैं ये वहां पेट्रोल पंप तक चल पड़े मेरे साथ शाम ने। हाँ मतलब रात ने जो भी ये कपड़े यार वो उनके पास ना मैं देख गई थी बिल्कुल भी नहीं है बेचारे नहीं रहे हैं और ये नए हैं एकदम तो उनके सही यूज हो जाएंगे वे। चल दोस्त दो मैंगो का ना उसका ऑरेंज का यशवी ले नानू ले दोस्त दो हंसो कितनी सोई मेरे लड्डू और ये ले जूस भाई यार तो 2-3 दिन बाद संभालना मुश्किल होता है यार। क्या दीदी भी तो लाएगी ना तू दिवाला ला मैं ले लूंगी। गुस्सा देख लिया आज मैं तेरे को यूं कुछ नहीं कह रही हूँ पापा गए हैं मन पता इरिटेट है तू ऐसे नहीं करते बिट्टू डाल दे चल अच्छी चीज लग लाऊंगी।